अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं? आज अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमारे घर ये मिर्चियाँ लगी हुई हैं, सब्ज़ मिर्च। तो वो जब पक जाती हैं तो लाल हो गई हैं और वो मैं लाल मिर्ची तोड़ने लगा हूँ, और उसके बाद फिर वो लाल जो होती हैं वो हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद फिर वो उसका पाउडर बना के फिर यूज़ करते हैं हम। तो ये मैं तोड़ने लगा हूँ आज, ज़रा ये काम दे। ये देखें, हमारे अनार भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, अभी पके नहीं है मेरे ख्याल में, हमने चेक नहीं किए। अभी मैं सोच रहा था कि अभी कोई एक तोड़ के चेक करते हैं क्या बनते हैं, चेक करते हैं कि कैसे हैं। इधर देखें ना, ये बहुत बड़े बड़े अनार हो गए हैं, ये भी, और इसके अलावा इधर भी लगे हुए हैं। और यहाँ एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि गिलहरी वो आके अनार जो है ना साइड से खा जाती है, तो उसको हम भगाने की कोशिश तो काफ़ी करते हैं लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए है। ये अनार मैंने तोड़ा है, अभी देख रहे हैं पका है या नहीं पका। वैसे इस पर और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, मज़े के अनार हैं, वैसे अनार काफ़ी मज़े के होते हैं। ये वैसे जब पक जाते हैं तो इसमें मोटे मोटे अनार बनते हैं, इसमें अब पता नहीं कैसे हैं, अब पता नहीं कैसे हैं, देखते हैं इसको। ये है खुरमानी, खुरमानी हमारे घर में कल आई थी, कल सब्ज़ी मंडी से मेरे वालद साहब लेके आए थे। तो एक मैं चीज़ दिखाता हूँ खुरमानी से, ये जो उसका बीज निकलता है इसके अंदर से, आपको पता है बादाम निकलते हैं, तो इसलिए वो हम ज़ाया नहीं कर रहे, वो बाद में फिर बादाम निकालेंगे। अलग अलग की कुदरत देखें, एक पैक में दो चीज़ें हैं, यानी कि एक तीर से दो शिकार से कहते हैं। हाँ जी, नमाज असर के बाद मैं एज़ यूजल इधर आता हूँ फिरने टुरने के लिए और थोड़ी वाक वगैरह करने के लिए, और मुझे एक लड़का भी दिखाई दिया है, और जो मैंने सोचा चलो ऐड कर ली वीडियो में, वो ये है कि ये छोटा सा लड़का एक टायर भगा रहा, जो हम बचपन में हम भी भगाया करते थे किसी ज़माने में, तो वो मैं भगाने लगा हूँ अभी। ये रोड जो है ना, ये बिल्कुल सड़क जो है वो सड़क थोड़ी पक्की सड़क है, यानी कि सोलर लगा हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा भगा के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि जब तकरीबन कोई आज से कम कोई 15 साल पहले की बात है, जब ये टायर हमारे पास होता था और हम भगाते होते थे, और बड़ा मज़ा आता था, बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता था, थोड़ा इन्जॉयमेंट होती थी। तो अभी देखते हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या हिसाब है। हाँ जी, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा भी था, लेकिन आजकल काफ़ी देर हो गई, कभी ये काम नहीं किया, और इसी वजह से आजा हो गया, इसी वजह से काफ़ी सांस वगैरह फूल गया। मैं वैसे भी घर रह रहे कि आजकल कभी ना कभी कोई वर्जिश की है, ना कभी कोई रनिंग की है। हॉस्टल में तो काफ़ी एक रूटीन बनाई थी मैंने, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, तो वो रनिंग वगैरह की रूटीन बनाई थी, वो थोड़ा काम अच्छा भी था, मज़ा भी आता था। उस वक्त मैं शाम के वक्त रनिंग वगैरह करता होता था, और आजकल वैसे भी घर में रह के थोड़ा वज़न भी ज़्यादा हो गया, पहले से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, अब फिर और थोड़ा ज़्यादा हो गया। कोशिश करेंगे कम करने की, लेकिन फ़िलहाल नहीं। अच्छा जी, नमाज़ें मगरब का टाइम हो गया है, और अजानें भी सुन रहे होंगे आप बैक पे, अजानें हो रही हैं, और अभी नमाज़ मगरब पढ़नी है, बाकी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसा काम करने में थोड़ी सी हेल्प कर दो। आपके कौन से को पैसे लगते हैं, पैकेज आपने पहले लगाया होता है, वैसे भी इस वक्त तक कोई वीडियो मेरे ख्याल में वही देख रहे होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं,
चलें, वैसे अगर कोई वैसे देख रहा है तो वो भी सब्सक्राइब कर दे। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।